नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। और आज अगर सारे दिन की हम चर्चा करें कि क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ खास नहीं रहा, तो ले देकर फिर वही शाहीन बाग और सब कुछ घूम फिर कर उसे शाहीन बाग पर आकर ख़त्म हो जाता है। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र विरोधी ये सर्टिफिकेट बांटने की सियासी दुकानें खुली हुई हैं। और चुनाव दिल्ली का है, बेशक छोटा राज्य है, 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन फिलहाल चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या पूरा देश हो, सबकी नज़रें वहीं लगी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से शाहीन बाग की तर्ज पर कुछ और जगह भी तैयार हो गई हैं CAA पर प्रोटेस्ट को लेकर। आज की खबर है कि शर्जील, जिसने बहुत ही भड़काऊ भाषण, बहुत विषैले भाषण दिए थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार राष्ट्रद्रोह का उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी पूछताछ के लिए पकड़ा तो उसको दिल्ली पुलिस ने, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भी उसको मांगेगी रिमांड पर। इस तरीके की बातें आ रही हैं। लेकिन सवाल फिर वही, बजट आने वाला है 1 तारीख को, लेकिन बजट पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, रोजगार पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और खास बात यह है कि दिल्ली में अगर हम चर्चा करें तो दिल्ली में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो सत्तानशी हैं, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे जो वहाँ का राज्य है, केजरीवाल जी और मोदी जी की सेना, वो सारी शाहीन बाग बैठ की पड़ी है और इसके आगे और कोई बात नहीं हो रही है। एक दूसरे की फाइलें खंगाली जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो खैर जाहिर है, चुनावी माहौल ना हो तो भी आज का कोई दिन नहीं जाता जब एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लग रहे हों या उसका जवाब ना दिया जा रहा हो, उसका प्रतिकार ना किया जा रहा हो। लेकिन इस बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर नज़र थोड़ा सा कम गई है। CAA विरोधी प्रदर्शनों में जो बाहरी और किराए के लोग शामिल हैं, इस तरीके की जो बातें हो रही थी, और जो भी CAA को लेकर विरोध हो रहा था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज NCC नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स के साथ में उनकी एक बैठक थी, उस पर बात की। और उन्होंने पाकिस्तान के बहाने खूब सियासी निशाने कहें या जो पूरा देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले जो आरोप लगाए, उनको भी पाकिस्तान के साथ जोड़कर परोक्ष रूप से जोड़ा गया, या कहा जाए देखा जाए देखा गया, ये बात लगातार सब लोग कह ही रहे थे। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी, जिसको महात्मा गांधी और तमाम लोग का उल्लेख करते हुए, उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को महात्मा गांधी की सोच के खिलाफ भी बता डाला। और उन्होंने बताया और याद दिलाया कि किस तरीके से जो है वहाँ पर गैर मुस्लिम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि गैर मुस्लिम वहाँ पर सफाई कर्मचारी के लिए जब विज्ञापन आता है तो उसका वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है उसमें कि जो गैर इस्लामिक लोग होंगे वही वहाँ पर सफाई के काम के लिए आए। उन्होंने उसको दलितों के सम्मान से जोड़ा, दलितों का अपमान बताया, और बताया किस तरीके से, ये साबित करने की कोशिश थी कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो मजहबी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा भी कि किस तरीके से बंटवारे में जो गलतियां हुई थी, उन गलतियों को अगर सुधारने की कोशिश की जा रही है तो उस पर किस तरीके का वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री अगर अब खुलकर मैदान में है, एक बार वो रामलीला मैदान में एक तरीके से चुनाव से पहले की रैली थी, उन्होंने CAA पर पूरे देश को आश्वस्त किया था, और NRC के बारे में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन CAA पर जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे और जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक CAA वापस नहीं होगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन नहीं खत्म होगा। दूसरी तरफ अमित शाह ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन CAA वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज ये बात कही, उसके बाद ये और भी स्पष्ट हो गया। वैसे भी संसद की दहलीज, दोनों सदनों की दहलीज पार करके कानून निकला था, तो जाहिर तौर पर इतनी आसानी से इस पर कोई फैसला भी नहीं होने वाला था, और सरकार इतनी जल्दी या किसी भी कीमत पे, अभी तक मोदी सरकार का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है भी नहीं
कि इस पर हथियार डाले। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे देश में कुछ टुकड़ों में कुछ लोग का विरोध है, कुछ लोग की चिंताएं हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं सरकार में चिंता या खासतौर से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए चिंता का सबब बन रही हैं। 26 जनवरी बीत गई है, शांतिपूर्वक बीत चुकी है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी आप CAA के बहाने होने लगी हैं और उसको सीधे सीधे मुस्लिम उत्पीड़न या ध्रुवीकरण से जोड़कर जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, वो एक चिंता का सबब जरूर है, खासतौर से देश के अमन चैन के लिए, देश की जो तहजीब है गंगा जमनी उसके लिए इस तरीके की चिंताएं जगह जगह जताई जा रही हैं। लेकिन मार्के की बात यह है कि चिंता सब जता रहे हैं पर इस मजहबी राजनीति से अलग कोई भी नहीं है। अगर दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो वो भी वही कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं, मतलब वो भी किसी वर्ग विशेष उसके लिए ज़्यादा बात कर रहे हैं, और जिस तरीके की तकरीरें हुई हैं उनका कोई भी संज्ञान लेने कोई राजी नहीं। आलोचना तो दूर की बात है, वो ऐसा लगता है कि जैसे जो भी शाहीन बाग में हो रहा है, जो भी CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जो भी करें वो विपक्ष के लिए सही है, और केंद्र सरकार का अप्रोच ऐसा है कि जो भी CAA के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है और उसको लेकर वो भी पूरी तरीके से आक्रामक है। तो लगता है कि वोटिंग होगी दिल्ली में, क्योंकि जब कभी भी चुनाव होता है तो इस तरीके के मुद्दे उठते हैं, और कहा भी जा रहा है कि जिस दिन वोटिंग हो जाएगी, जिस दिन 11 तारीख को दिल्ली में सरकार बन जाएगी, उसके बाद शाहीन बाग भी उठ जाएगा, वो भी उठ जाएगा। और वैसे कुछ गलत भी नहीं है ये, अगर पुराना हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अखलाक का मुद्दा उठता है जब बिहार का चुनाव होता है, तब एक नया वर्ड आता है और एक नया शब्द आता है यहाँ की सियासी आबोहवा में, जो बाहर विदेशों तक भारत की किरकिरी कराता है, वो होता है असहिष्णुता, कि कभी रोहित वेमुला हो जाता है, फिर इस तरीके की बीच बीच में चीज़ें होती ही रहती हैं। फिलहाल CAA है, और ये खास बात यहाँ ये याद रखनी होगी कि 370 हटा दिया गया कश्मीर से, जो कि कितने दिनों का, मतलब आज़ादी के बाद से जो कानून और जिसको लेकर तमाम बार सदन में लोग संकल्प करते रहे थे, वो हट गया। माना जा रहा था इसके बाद देश जल जाएगा, ऐसी आशंका लोग जता रहे थे, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें भी शांति से निपट गई। और एक ऐसा मुद्दा राम जन्मभूमि का, वो भी इसी दौरान उस पर फैसला आता है और उसको भी देश के लोग हाथों हाथ लेते हैं और बहुत परिपक्वता के साथ लेते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, एक परिपक्व समाज है और धीरे धीरे इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहा है। लेकिन जब ये शाहीन बाग या मंसूर अली खान पार्क या कभी उत्तराखंड में कुछ इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो एक डिजाइन समझ में आती है, और सियासी डिजाइन हो तो भी समझ में आती है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन होता है और कोई मुद्दा होता है उसके साथ लोग जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पिंजरा सा बना दिया गया है, कुछ खास लोग हैं, कुछ खास विचारधारा के लोग ही वहाँ पर जाएंगे और दूसरे किसी व्यक्ति की वहाँ पर एंट्री तक नहीं हो सकती है। लगातार वही बातें चल रही हैं और इससे आगे अभी जैसे देश बढ़ने को तैयार नहीं। और तोड़ जाने दीजिए, दिल्ली में चुनाव काम के नाम पर या नाकाम सरकार के नाम पर इस तरीके से हो रहा था, लेकिन यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो यहाँ पर उस तरीके से कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं पड़ रही है, उनके बीच भी पूरा फलसफा शाहीन बाग को लेकर अटक के रह गया है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे को वहाँ जाने की चुनौती दे रहे हैं कि वो कहते हैं केजरीवाल क्यों नहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अमित शाह क्यों नहीं जाते हैं, इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे। लेकिन वाकई किसी भी राजनीतिक दल की मंशा इस मसले को सुलझाने की नहीं दिखाई पड़ती है, जबकि सिर्फ इस शाहीन बाग के चक्कर में डेली 15 लाख लोग, 10 से 15 लाख लोग रोजाना सफ़र कर रहे हैं, मतलब सफ़र करने में सफ़र कर रहे हैं, अंग्रेजी वाला सफ़र, यानी उनको पीड़ा हो रही, वो घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जाम लग रहा है, एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का जो ये बयान आया है, इसके बाद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर और आक्रामक होगी और CAA पर
विपक्ष कितना भी लामबंदी कर रहा हो, कितनी भी घेरेबंदी कर रहा हो, उस पर सरकार नहीं झुकने वाली। और पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने चुनौती दी कि पाकिस्तान के जो परोक्ष युद्ध लड़ रहा है, जो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, उसको 10 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही है। तो इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं एक संदेश है कि अगर पाकिस्तान का युद्ध 10 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है तो देश की समस्याएं ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो पाकिस्तान की शह पर अगर परोक्ष रूप से कहा जाए, अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उनका भी इलाज उनके पास है। लेकिन ये सवाल भी ज़रूर उठता है कि पाकिस्तान का युद्ध 10 घंटे में समाप्त हो जाता है तो शाहीन बाग का धरना 2 महीने कैसे चल सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। और भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए रहे, लेकिन लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, ये सच्चाई है।